हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कंटिन्यू कर रहा हूँ सरफेस केमिस्ट्री, और आपको बता रहा हूँ कि एड्सॉर्प्शन जो है ना वो दो तरीके का होता है। एक तो होता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन और एक होता है केमिकल एड्सॉर्प्शन। तो दोनों में क्या फ़र्क होता है वो चीज़ देखते हैं। सबसे पहले फिजिकल एड्सॉर्प्शन, जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि इसके अंदर जो एड्सॉर्प्शन होगा यानी जो अट्रैक्शन होगा, जो बंधन बनेगा ना एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के अंदर, बेट तो होने वाला, अट्रैक्ट होने वाला पार्टिकल, और जो सरफेस पर एड्सॉर्प्शन हो रहा है दैट इज नोन एज एड्सॉर्बेंट, और वो एट एट खा लिया। तो फिजिकल फोर्सेस प्रेजेंट होंगे उनके अंदर, वीक वेंडरवॉल फोर्सेस वहां पर प्रेजेंट होंगी। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में दोनों वीक वेंडरवॉल फोर्सेस से अटैच्ड होंगे। देन यहाँ पर केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या है? अरे यार, नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर केमिकल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, केमिकल रिएक्शन से फॉर्म होंगे, केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे केमिकल एड्सॉर्प्शन के अंदर। ये जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है ये स्पेसिफिक नहीं होता, मतलब कोई मतलब एड्सॉर्बेंट है, आता जाता कोई भी आ सकता है, कोई भी आओ चलेगा सब। कोई स्पेसिफिक नहीं है कि नहीं मैं तो उसी के साथ जुड़ूंगा, स्पेसिफिक नहीं है कि मैं तो उसी के साथ जुड़ूंगा, कोई भी आओ चलो, आओ पहले पाओ, लाइक दैट। सो नॉट स्पेसिफिक, बट इन केस ऑफ केमिकल एड्सॉर्प्शन इट इज स्पेसिफिक, बट इन केस ऑफ केमिकल एड्सॉर्प्शन इट इज स्पेसिफिक। नाउ व्हाट अबाउट फिजिकल एड्सॉर्प्शन इन केस ऑफ रिवर्सिबिलिटी? इट इज रिवर्सिबल, रिवर्सिबल है मतलब एड्सॉर्बेट एड्सॉर्बेंट, फिजिकल फोर्स वेंडरवॉल फोर्स के थ्रू जुड़ा, तेरी मर्जी, तू जा भी सकता है, तू मेरे साथ रह भी सकता है। मतलब विदेशों में जैसी शादी होती है ना, वो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है कि बस आपकी मर्जी, आप रहना चाहो रहो वरना डिवोर्स, चलो। रिवर्सिबल मैनर, रिवर्सिबल मैनर। लेकिन ये केमिकल एड्सॉर्प्शन वो बंधन है, वो केमिकल बॉन्ड है जो भारत में बनाया गया है, सो इट इज रिवर्सिबल। ओ क्या एग्जाम्पल है, रिवर्सिबल, समझ में आ रहा है ना? केमिकल है, भारत में की गई शादी है ये सॉरी क्या लिख दिया मैंने, बोल तो जो इरिवर्सिबल, ध्यान दो, इरिवर्सिबल है ये। मतलब अब हो गया एक बार तो बस, ज्यादा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। नाउ यहाँ पर हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन लो होती है। मैंने बोला था कि एड्सॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक होती है, मतलब ड्यूरिंग फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट, वेदर इट इज फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन, देर इज रिलीज ऑफ एनर्जी, दिस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, दिस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एड्सॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो यहाँ पर एनर्जी तो रिलीज होगी, लेकिन इन केस ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन ये एनर्जी कम होगी, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज लो, बट इन केस ऑफ केमिकल एड्सॉर्प्शन यहाँ लिख लेंगे हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज हाई, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज हाई। देन नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट एक्टिवेशन एनर्जी, ई ए से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी ई ए। एक्टिवेशन एनर्जी फिजिकल एड्सॉर्प्शन में नेग्लिजिबल होती है, ना के बराबर, नेग्लिजिबल एड्सॉर्प्शन, फिजिकल एड्सॉर्प्शन में नेग्लिजिबल एक्टिवेशन एनर्जी होती है, यानी एक्टिवेशन इज एनर्जी इज नॉट नीडेड इन मोर अमाउंट या मच अमाउंट। बट इन केमिकल एड्सॉर्प्शन क्या होता है, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है ये हाई होती है, एक्टिवेशन एनर्जी इज नॉट नेग्लिजिबल, इट इज इनकंसिडरेबल अमाउंट। ओके, इसके बारे में आपको ग्राफ बना के बताऊंगा अच्छे से, ध्यान दें। नेक्स्ट पॉइंट इज कि अंडर हाई प्रेशर, जब हाई प्रेशर होगा उस दौरान फिजिकल एड्सॉर्प्शन के अंदर मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स बन जाएंगी, क्या होगा, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स बन जाएंगी एड्सॉर्बेंट के ऊपर। मतलब जनरली एक लेयर ऐसे, और अगर प्रेशर को बढ़ाया गया, प्रेशर को बढ़ाया गया तो और भी ज़्यादा लेयर्स बन जाएंगी, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स विल बी फॉर्म्ड ऑन द एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेंट पर मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स बन जाएंगी अंडर हाई प्रेशर, ये याद रखना। लेकिन व्हाट अबाउट दिस केमिकल एड्सॉर्प्शन, यहाँ पर मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स नहीं बनेगी, यहाँ पर मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स
नहीं बनेंगी। समझ में आ रहा है? सो व्हाट अबाउट केमिकल एड्सॉर्प्शन? यहाँ पर मल्टी मॉलिकुलर लेयर्स फॉर्म नहीं होंगी, यहाँ पर आपको केवल और केवल यूनिमॉलिकुलर लेयर्स देखने को मिलेंगी। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ ना कि यहाँ पर केवल आपको यूनिमॉलिकुलर लेयर देखने को मिलेंगे, चाहे कुछ ही हो जाए, क्योंकि केमिकल बॉन्ड एक के साथ ही बनता है। यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए जगह है, यानी एक लेयर बन चुकी है, शादी हो चुकी है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मल्टीपल लेयर्स बन सकती हैं। यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए कोई जगह नहीं है, उसकी बड़ी सजा होती है, कोई जगह नहीं है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की। नाउ व्हाट अबाउट फिजिकल एड्सॉर्प्शन? इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। ये गैस की नेचर पर भी डिपेंड करता है, कैसी है गैस, कैसी है वो क्या करती है, वो कितनी सुंदर है, वो क्या क्या कर सकती है, उस पर डिपेंड करता है। कौन कर सकती है? गैस। सो डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस, दिस इज फिजिकल एड्सॉर्प्शन। और यहाँ पर जो केमिकल एड्सॉर्प्शन है वो किस पर डिपेंड करेगा? सर क्या वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा? क्या उस पर डिपेंड करेगा कि वो कैसी है कैसी नहीं है? बताओ। सही बात है, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस, ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन है। सीधी बात ये कि जो केमिकल एड्सॉर्प्शन है ना, वो भी डिपेंड करेगा गैस के नेचर पर, लेकिन उस गैस का कैसा नेचर होगा, कि वो कितना अच्छे से केमिकल बॉन्ड बना सकती है एड्सॉर्बेंट के साथ। इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस, गैसेज विच कैन रिएक्ट विद द एड्सॉर्बेंट शो केमी एब्जॉर्प्शन। मतलब जो गैसेज एड्सॉर्बेंट के साथ रिएक्ट कर सकती हैं, हमें ऐसी गैसेज चाहिए जो एड्सॉर्बेंट के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, बस ऐसी गैसेज चाहिए कि बस रिएक्शन हो जाए, बस ज़्यादा नखरे नहीं चाहिए, केवल इतना ही चाहिए कि रिएक्शन हो जाए, जिसको हम केमी एड्सॉर्प्शन बोलते हैं, केमी एड्सॉर्प्शन, केमिकल एड्सॉर्प्शन। ओके, नाउ दिस इज अबाउट केमिकल एड्सॉर्प्शन, ये लिख लेना। जैसे इसमें गैस का नेचर कैसा होता है, इसमें गैस का नेचर कैसा होता है, इसमें वो वाली गैसेस होती हैं जो ज़्यादा लिक्विफिएबल होती हैं, मतलब ऐसी गैसेस जो लिक्विफिकेशन जल्दी कर लेती हैं, मोर लिक्विफिएबल गैसेस एड्सॉर्ब रेडिली। जो गैसेस जल्दी लिक्विफाई हो जाती हैं उनको रेडिली यानी जल्दी से एड्सॉर्ब कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर जैसा कि मैंने बोल दिया, गैसेस के नेचर पर डिपेंड तो करता है केमी एड्सॉर्प्शन, लेकिन हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें बस ऐसी गैसेस चाहिए, बस एक बार इसके साथ केमिकल एड्सॉर्प्शन कर लें, और एक बार केमिकल एड्सॉर्प्शन कर लिया तो हमारी बात बन गई, कीमा एड्सॉर्प्शन हो गया। देन लास्ट पॉइंट इज डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे, यानी जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे तो वैसे वैसे ये डिक्रीज होगा फिजिकल एड्सॉर्प्शन, ये डिक्रीज होगा। कैसे? विपरीत परिस्थितियों में रिश्ते टूटने का डर रहेगा, थोड़ी सी परेशानी आती ये लोग अलग अलग हो जाएंगे, रिश्ते टूट जाएंगे, लेकिन ये जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा हो जन्म जन्म, तो इसको आप याद रखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है, ऐसा नहीं होता, वहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करते ही क्या हो जाता है, यहाँ पर फिजिकल एड्सॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है। यस और नो, समझ में आ रहा है ना? लेकिन अगर यहां पर बात की जाए केमी अब्सॉर्प्शन में, तो मैं इसके लिए एक लाइन बोलूंगा, कि इट फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज विद टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के साथ पहले तो ये इंक्रीज होंगी लेकिन फिर डिक्रीज होंगी, पहले टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होंगी। अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो इनिशियली इनमें क्या होगा, एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा लेकिन फिर कम होगा टेम्परेचर के साथ। इस चीज़ को मैं इस ग्राफ से बड़ा अच्छे से आपको समझा पाऊंगा, ये ग्राफ है, देखो ज़रा गौर से देखो इस ग्राफ को। यहाँ पर मैंने एक एक्सिस पर आपको एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन शो किया है, क्या एक्सटेंट है इसका, जिसको हम एक्स बाई एम भी बोलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा अच्छे से। ये इधर इस एक्सिस पे टेम्परेचर मैंने लिया है,
तो आप देखोगे कि यहाँ पर जब प्रेशर कांस्टेंट होता है ना, प्रेशर कांस्टेंट जब होता है तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, इधर जा रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने, तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से ये देखो डिक्रीज हो रहा है एड्सॉर्प्शन। यानी ये ग्राफ किसका है, ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन का है। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे यहाँ पर क्या होता है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, यानी एड्सॉर्प्शन का जो एक्सटेंट है, यानी जिसको हम एक्स बाय एम लिखते हैं, ये एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये पॉइंट समझ में आया, क्लियर हुआ लास्ट वाला? ओके, देन आफ्टर दैट कम टू केमिकल एड्सॉर्प्शन। केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, यहाँ पर एक एक्सिस में मैंने एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन लिया है, एक एक्सिस में मैंने टेम्परेचर लिया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये स्टार्टिंग के अंदर, जैसा कि मैंने बोला कि सबसे पहले तो ये टेम्परेचर के इंक्रीज करने से देखो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर यहाँ तक क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन आफ्टर सर्टेन लिमिट क्या हो रहा है, देन डिक्रीज विद टेम्परेचर, देन आफ्टर डिक्रीज हो रहा है केमिकल एड्सॉर्प्शन, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब एक स्पेशल बात मैं यहाँ पर बताता हूँ कि यहाँ पर ये जो मैक्सिमम लिमिट है टेम्परेचर की, यहाँ तक टेम्परेचर एक्ट एज कैटलिस्ट, टेम्परेचर एक्ट एज कैटलिस्ट, टेम्परेचर एक्ट एज कैटलिस्ट, टेम्परेचर एक्ट एज कैटलिस्ट, एंड दिस एनर्जी, यहाँ पर जो ये एनर्जी है टेम्परेचर जो प्रोवाइड कर रहा है, दिस एनर्जी इज यूज्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी, इसको एज अ एक्टिवेशन एनर्जी यूज ले लिया जाता है, समझ रहे हो। सो दिस टेम्परेचर एक्ट एज कैटलिस्ट एंड दिस एनर्जी इज यूज्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी, इट इंक्रीज विद टेम्परेचर फर्स्ट, देन आफ्टर दैट इट डिक्रीजेज। एंड वहाँ पर क्या केस है, वहाँ पर फिजिकल एड्सॉर्प्शन के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने पर डिक्रीज होता है एड्सॉर्प्शन। अच्छा, ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट क्यों लिखा है, इसका भी एक मतलब है, क्योंकि जब भी फिजिक्स में, जब भी केमिस्ट्री में एक क्वांटिटी की देखा जाता है कि उसकी डिपेंडेंसी देखी जाती है, तो दूसरी को कांस्टेंट रख दिया जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर की स्टडी कर रहे हैं, तो टेम्परेचर के अलावा बाकी सारी चीज़ों को कांस्टेंट रखना पड़ता है, ठीक है, वरना तो सबकी मिलीभगत हो जाएगी। मतलब अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो यहाँ पर हो सकता है ये एड्सॉर्प्शन में प्रेशर का जो रोल होगा वो भी हो, टेम्परेचर का भी रोल भी हो, तो वो सारी चीज़ें मिलकर के फिर आएंगे, तो हम ये नहीं पता लगा पाएंगे कि टेम्परेचर का अकेले का क्या रोल है, समझ गए ना, टेम्परेचर का अकेले का क्या रोल है, समझ गए। ओके, ये वो बात हो गई कि अगर 10 बच्चे क्वायर ग्रुप में गा रहे हैं, तो उनमें से अगर हम एक एक को अलग अलग गवा के नहीं देखेंगे, तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा बच्चा गलती कर रहा है। तो वही बात है कि प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया है दोनों जगह पर, आगे भी रखा जाएगा। जहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आइसोथर्म पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको आइसोथर्म बताऊंगा, और उससे नेक्स्ट में हमारी होंगी कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ एड्सॉर्प्शन, दिस बोथ पार्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, और नेक्स्ट वीडियो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।